डियर स्टूडेंट टूडेज आवर टॉपिक इज आर्टिकल्स फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स आर पार्ट ऑफ डेटर डेटरमाइनस हमारे जो हैं आर्टिकल्स एक पार्ट है उन्हीं का एन आर्टिकल इज अ वर्ड विच इन ऑफ अ नाउन नाउन्स के बारे में इन्फॉर्म करते हैं नाउन्स ए पर्सन प्लेस ऑब्जेक्ट आइडियाज के जो नाम होते हैं वो नाउन दीज वर्ड्स डेटरमाइन वेदर ए नाउन इज जनरल और पार्टिकुलर ये हमें ये बताते हैं कि जो नाउन है वो सामान्यकृत है या डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल कैटेगरीज हम आर्टिकल्स को टू कैटेगरीज में डिफ़ाइन करते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स ता इट रेफर्स टू ए स्पेसिफिक नाउन और ग्रुप ऑफ नाउन ये जो है विशेष नाउन या विशेष नाउन्स के ग्रुप को रेफर करता है इनडेफिनेट आर्टिकल इसमें दो आते हैं ए और एन ए एंड एन इट रेफर्स टू ए नाउन दैट इज नॉट ए स्पेसिफिक नाउन ये एक ऐसे नाउन को प्रकट करते हैं जो स्पेसिकर्त विशेषीकरण नहीं है नाउन प्लेस आइडिया और ऑब्जेक्ट नाउ यूज ऑफ ए एंड एन हम करते हैं यूज ऑफ ए एंड एन द इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन आर यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन ठीक है मेन चीज पॉइंट्स क्या है नोट करने का दीज आर यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स जो हैं सिंगुलर भी होने चाहिए काउंटेबल भी होने चाहिए अगर काउंटेबल नहीं है इफ़ दे आर अनकाउंटेबल वी कैंट यूज़ इन डेफिनेट आर्टिकल विद देम इज़ यूज बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच बिगीन्स विद ए कॉन्सोनेंट साउंड ए का जो प्रयोग है ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है जिसकी आवाज जो है कॉन्सोनेंट से शुरू होती है देखिए यहाँ मेन पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट द वर्ड स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट और नोट इट डज नॉट मैटर वर्ड्स जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है या नहीं ये मैटर नहीं करता मैटर क्या करता है द मेन पॉइंट इज दैट इट्स साउंड मस्ट बी स्टार्ट और बिगिन with कॉन्सोनेंट इसकी जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होनी चाहिए एन इज़ यूज बिफोर ए सिंगुलर काउंटेबल which begins विद ए वोवल साउंड एक ऐसे के साथ जिसमें वोवल साउंड आती हो जो वोवल साउंड से स्टार्ट होता है उसके साथ ही एन का प्रयोग किया जा सकता है यूज अब इनका यूज हम कहाँ कर सकते हैं बिफोर नेम्स ऑफ जॉब्स और प्रोफेशन जे जो जॉब्स हैं नेम्स हैं प्रोफेशन के उससे पूर्व हम ए और एन का ही प्रयोग करते हैं ही वांट्स टू बी ए टीचर रानी इज ए म्यूजिशियन कोई भी प्रोफेशन हो टीचर है म्यूजिशियन है डॉक्टर है इंजीनियर है सभी के सामने हम ए और एन विथ रिलीजन एंड नेशनलिटीज रिलीजनस हमारे जो धर्म हैं और राष्ट्रीयता हैं सच एज ही इज़ एन इंग्लिश मैन वो अंग्रेज है यहाँ नेशनलिटी आगे आई एम एन इंडियन यहाँ नेशनलिटी इज वन है ही इज ए क्रिश्चियन यहाँ रिलीजन मैं टू एक्सप्रेस ए क्वान्टिटी और सर्टेन नंबर्स अगर जब हम कोई क्वान्टिटी या सर्टेन नंबर्स को इंडिकेट कर रहे हैं तब भी वहां पे ए और एन जैसे आई बोट ए डजन बनाना बनाना जो है ए डजन ये सर्टेन क्वांटिटीज ही गेव मी ए हंड्रेड रुपीज नोट ए हंड्रेड रुपीज नोट सर्टेन क्वान्टिटीज फाइव माइल्स इज नोट ए लॉन्ग डिस्टेंस फाइव माइल्स क्या है एक सर्टेन डिस्टेंस एन एक्सक्लामेशन एक्सक्लामेशन बिफोर नाउंस और विद सिंगुलर नाउन्स आफ्टर द वर्ड्स वट एंड सच यानी एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें नाउन से पुरो या ऐसे सिंगुलर नाउन से पुरो जिनमें वट और सच वर्ड्स आए हों जैसे ए फाइन एस्केप स्टार्ट वर्ड से हुआ लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इट मीनस ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और हम यहाँ एडजेक्टिव से पहले ए का प्रयोग करें वाट ए यहाँ जो पी टी है इससे पहले ए का साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है दैट इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग वह एक शानदार चीज है सच और ना एडजेक्टिव के बीच में ए का यानी एक्सक्लामेशन को प्रयोग करने के बिफोर फ्यू लिटल टू इंडिकेट ए स्मॉल नंबर क्वांटिटी एंड बिफोर लोड टू एक्सप्रेस अनफ क्वान्टिटी हम करते हैं फ्यू और लिटल से बिफोर इनसे पहले फ्यू से पहले, पहले नंबर को शो करने के लिए लिटल से पहले क्वांटिटी को शो करने के लिए और लॉट से पहले इसे बिफोर किया जाता है एनएफ क्वांटिटी फॉर एग्जांपल आई हैव ए लॉट ऑफ मनी मेरे पास बहुत सारा मनी है आई हैव ए लिटल वाटर मेरे पास थोड़ा सा वाटर है लॉट एंड ए लिटल दोज एक्सप्रेस क्वेंटिटी

एनिमल चीता जो है सभी जानवरों में सबसे तेज होता है टू एक्सप्रेस रेट और इन सेंस ऑफ पर ईच वन यानी रेट दर को प्रकट करने के लिए या हम कह दें ईच ईच वन और पर के सेंस में किस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं शुगर टुडे कॉस्ट फोर्टी रुपीज़ ए के जी शुगर प्रति किलो चालीस रुपये आजकल ए हॉर्स कैन रन फिफ्टी किलोमीटर एन आवर हॉर्स जो है पर आवर जो है फिफ्टी किलोमीटर से रेस कर सकता रन कर सकता दौड़ सकता है दीज सेंटेंसेज हो पर इच बिफोर एन एडजेक्टिव एडजेक्टिव से पुरो पॉजिटिव और फेस्ट डिग्री फर्स्ट डिग्री हो या पॉजिटिव से पुरो जैसे किरण इज ए टालय फेस्ट डिग्री से पुरो ए ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय इंटेलिजेंट से पुरो एन इन द मीनिंग ऑफ सेम कई बार हम सेम का मीनिंग प्रकट करते हैं तो वहां भी जैसे बर्ल्स ऑफ ए फैदर प्लॉक टुगेदर ए फैदर एक जैसे पंखों वाले एक जैसी विशेषताओं वाले टू ऑफ ए सेम ट्रेड सेलडम एग्री ए सेम एक जैसे बिफोर द डेज ऑफ वीक वहन ए पार्टिकुलर डे इज नॉट रेफर जब सप्ताह के दिनों से पूरा हो जब कोई विशेष दिन का वर्णन नहीं किया यानी दिन का तो वर्णन है डे कौन सा है लेकिन फिक्स नहीं है जैसे ही इज कमिंग ऑन ए संडे वह किसी संडे को आ रहा है मतलब ही विल कम ऑन संडे बट ऑन विच संडे इट डज़ नॉट डिस्क्राइब संडे को आएगा लेकिन किस संडे को आएगा ये डिस्क्राइब नहीं करता है कुड आई मीट यू ए संडे समटाइम क्या मैं तुम्हें किसी संडे को एक दिन मिल सकता हूँ मीन्स संडे बट इट इज नॉट डिस्क्राइब्ड और रेफर विथ संडे मेन पॉइंट्स टू नोट्स आर ऑल वर्ड्स बिगिन विद द विदल ए एंड आई बिगिन विद वोवल साउंड सो एन इज यूज बिफोर दिज जितने भी हमारे वर्ड्स हैं जो वोवल आई से और ए से शुरू होते हैं वो सभी वोवल साउंड देते हैं और इसलिए उनसे पूरा हमेशा एन का प्रयोग किया जाता है द वर्ड्स बिगिन विथ वोवल ओ जो ओ वोवल से शुरू होते हैं बिगिन विद वोवल साउंड वो भी वोवल साउंड से स्टार्ट होते हैं एक्सेप्ट वन एंड वंस वन और वंस को छोड़ के वन और वंस ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं सो एन इज यूज इसलिए एन का प्रयोग किया जाता है उनके सामने बट बिफोर वन एंड वंस ए इज यूज और वंस और वन के पहले ए का प्रयोग किया जाता है मोस्ट ऑफ द वर्ड्स बिगिन विद ई विगिन विद वोवल साउंड बहुत सारे मोस्टली जो शब्द हैं ई e से स्टार्ट होने वाले वो वोवल साउंड से स्टार्ट होते हैं सो एन इज़ यूज बिफोर दी इसलिए इनके सामने एन का प्रयोग किया जाता है सम कॉमन वर्ड्स विथ कॉन्सोनेट साउंडसार लेकिन कुछ ऐसे सामान्य वर्ड्स हैं कॉमन वर्ड्स हैं जो कॉन्सोनेट साउंड से स्टार्ट होते हैं और ई वल्स स्टार्ट होने वाले सच हैज यूरोप यूरोपियन यूफोरिया यू यूकेलेप्टस यूलोजी यूरेका ये जो वर्ड्स हैं सामान्यतः हमारे यू से स्टार्ट होते हैं वर्ड साउंड्स के अंदर कॉन्सोनेट साउंड्स स्टार्ट होते हैं बट दे स्टार्ट्स और बिगिंस विद ई सो इज यूज बिफोर दीज वर्ड्स इसलिए ए का प्रयोग किया जाता है बिकॉज दे बिगिंस विद कॉन्सोनेंट साउंड नेक्स्ट ऑनेस्ट आवर आवरली ऑनर Honorary, air, एरस heirloom these words starts with consonant. ये सारे शब्द जो हैं कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं बट begins विद वोवल साउंड लेकिन वोवल साउंड से शुरुआत होते हैं इनकी जो साउंड्स हैं वो वोवल से शुरू होते हैं सो एन इज़ यूज बिफोर दिस इसलिए इनके सामने एन का प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट बिफोर एट एट्टीन एटी जैसे एट वर्ड्स आ जाता है एटीन आ जाता है या एटी आ जाता है उनसे पूरा एन का प्रयोग किया जाता है एट ई आई जी एस टी जो बोला जाएगा हमें एंड एफ जिस प्रोनाउंसिएशन क्या होता है ई डबल एफ अगर ये सिंगल आता है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है स्टार्ट होती है वो वोल साउंड से देन वी यूज एन इसी प्रकार से जो आर, बाकी लेटर्स हैं वो देखते हैं है हम जैसे एच एल एम एन आर एस एक्स वी यू एन आर्टिकल बिफोर थी हम इनसे पूर्व एन आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं अगर कभी ये सिंगल आए हों या एव्रिशन फॉर्म में जैसे नीचे दिया गया है हीज़ नेम बिगिन विद एन एस उसका नाम एक एस लेटर से स्टार्स होता है यहाँ एस से पहले एन ही इज एन एम में एम ए इस प्रोनाउंसिएशन अलग अलग एम एन आएगा या ये आ जाए ही इज एन एम एल ए यहाँ भी जैसे यही है और ही इज एन एस डी ओ ये भी यहाँ अगर यहाँ आता ही इज बी ए बी की जो साउंड है कॉन्सोनेंट बे से आ रही है तो वहाँ पे ए आता दीज आर द रूल्स ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स